प्रदेश जिला मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडापाने क्षेत्र के नेशनल हाईवे में मनकरा मोड़ चौराहे पर आज सुबह उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक अनियंत्रित बस ने आगे जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बस में बैठे 50 से 60 यात्रियों में से 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस दिल्ली से बिहार जा रही थी। मुरादाबाद के मुंडापांडे थाना क्षेत्र में नेशनल NH-24 हाईवे किनारे मनकरा मोड़ चौराहे पर रामपुर साइड से आ रही अनियंत्रित बस ने आगे जा रहे ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आनंद फानंद में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल यात्रियों को बस से निकालकर पास के मुंडापांडे सरकारी समुदाय हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जिसमें 14 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। बस चला रहे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान 8 लोगों की नाजुक हालत देख घायलों को मुरादाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जिनका इलाज वहां चल रहा है। आपको बताते चले, यह प्राइवेट बस बिहार से दिल्ली के लिए जा रही थी, जिसमें 50 से 60 मजदूर सवार थे। मुंडापांडे के नेशनल हाईवे मनकरा मोड़ पर पहुंचे ही थे। बस की स्पीड ज्यादा होने की वजह से आगे जा रहे ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में बस अनियंत्रित होकर जा घुसी, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार सिंह। अच्छा नीरज भाई, क्या हादसा हुआ है और कितने लोग घायल हुए हैं? कहाँ जा रही थी बस? ये बस बिहार से दिल्ली के लिए जा रही थी। अच्छा। रास्ते मुरादाबाद के पास हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ लगभग 4 बजे के लगभग, और हम लोग 50 से 55 लोग थे बस में सवार, 70 आदमी था, जिसमें से 12 से 14 लोग घायल हुए हैं और एक ड्राइवर और एक हमारे साथ थे लोग डेथ हो गए उनकी। किस चीज़ से घटना हुई है? ट्रॉली आ रही थी आगे से और उससे पीछे से बस वाले ने धक्का मारा, टक्कर हुई। हेलो, उसमें एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, तो ड्राइवर को नींद आ रही थी क्या? नींद ये तो हम लोग भी सोए हुए थे और देख तो नहीं पाए, लेकिन वो 3 दिन से वही अकेले गाड़ी चलाते हुए आ रहा था। कितने लोग घायल हुए हैं? 10 से 12 लोग हैं। दो की मृत्यु हो गई है जी। सर, एक ट्रैक्टर ट्रॉली से और बस का एक्सीडेंट हुआ है, क्या है पूरा मामला, कितने लोग घायल हैं? इसमें जो हमारे CSC आए हैं वो 14 लोग आए थे यहाँ पर, जिसमें एक ड्राइवर बताया गया वो डेड हो गया था और बाकी 13 लोग का ट्रीटमेंट हुआ है, जिसमें से हमने 8 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर कर दिया, बाकी ठीक है सर। कितनी चोटें हैं सर इनके? वो 8 तो गंभीर हालत में भेजे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, बाकी जो हैं वो सारे ठीक हैं, उनको कोई ऐसी ज़्यादा चोट नहीं है। अच्छा, मृतका जो हैं वो उनकी डेट कितनी देर बाद हो गई थी हॉस्पिटल में आने को? नहीं, वो तो डेड ही आए थे हमारे पास तो। अच्छा। वो कुछ नहीं था, डेड हो चुके थे पहले ही। सर, एक्सीडेंट हुआ किस चीज़ से है ये? ये लोग बता रहे हैं कि बस का और ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ है, सुबह करीब 5 बजे करीब एक्सीडेंट हुआ है हाईवे पर, जो इनके द्वारा बताया गया है। अच्छा, अभी उनका इलाज यहाँ जितने लोग हैं चल रहा है या अभी? नहीं, यहाँ तो उनको छोटी छोटा थी, उनको भेज दिया गया है पट्टी वगैरह कर, जो बाकी तो उनको रेफर कर दिया गया है। यहाँ हमारे पास कोई ट्रीटमेंट किसी का नहीं हो रहा, सर को जिला अस्पताल में दवा रेफर कर दिया। टोटल कितने घायल हैं सारे सर? टोटल 14 घायल थे जो हमारे पास आए थे। ठीक है सर। जिनमें से एक तो डेड हो गया था और ये बचे 13 में से 8 हमने रेफर कर दिए और बाकी जो है वो पट्टी कर कर दिए। ठीक है। थाना मुंडापांडे क्षेत्र में सुबह लगभग 5:30 बजे एक बस और ट्रैक्टर के बीच में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें एक ड्राइवर और एक व्यक्ति और की मृत्यु हुई है। साथ ही 8 लोग जो जख्मी हुए थे उनको जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, वहां पे उनका इलाज चल रहा है। जो अन्य लोग थे उन्हें फर्स्ट एड देकर आगे के लिए रवाना कर दिया गया है। इसमें जो बस ने पीछे से जो आगे चल रहे ट्रैक्टर में थी उसको भिड़ंत की थी, जिसमें ये घटना और लोग घायल हुए। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसमें जो भी और तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर उसे ट्रैवल चेक करी जाएगी। ड्राइवर था उसकी डेथ हुई है, साथ ही एक जिसमें सवारी थी उसको 2 लोगों की टोटल उसमें मृत्यु हुई है। सर, ये लोग लेबर के बताए जा रहे हैं कि ये बिहार से चले थे और ये श्रमिक जो दिल्ली के लिए निकले हुए थे। टोटल कितने लोग घायल हैं सर? इसमें 8 लोग हैं जो इस समय जिला अस्पताल में एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स ने सभी की स्थिति को स्टेबल बताया है। बाकी जो अन्य लोग जिनको मामूली चोटें थी उनका फर्स्ट एड देके आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू।